हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। ये मैं कहवा बना रही हूँ अपने लिए वेट लूज का। आप जानते हैं कि वज़न बढ़ाना कितना आसान है और कम करना कितना मुश्किल। और यहाँ मैं जो है सुबह सुबह ये कहवा पी रही हूँ। इसमें जो है मैंने डाले हैं अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, लेमन के जो छिलके होते हैं वो, और अदरक। तो ये सब जो है मैंने मरियम परवेज़ के ब्लॉग में देखा था, तो उसी से बस इंस्पायर होके ये बना रही हूँ। बस दुआ करते हैं कि ये काम कर जाए। यहाँ जो है मैं ये कहवा एक चम्मच डाल के इनको उबालने के बाद जो है अभी इनको मैं कप में निकाल रही हूँ। और यहाँ जो है मेरा कहवा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको निहार मुँह पीना होता है। और अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है। आज मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था तो वो भी उठ गए थे, तो बस यही नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है मैं किचन में आ गई थी। किचन में आज मैं बना रही हूँ पुलाव। और पुलाव में जो है आजकल मैं ये वाले वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत मज़े के भी होते हैं और पुलाव के साथ अच्छे भी लगते हैं, चिकन पुलाव में। और यहाँ जो है मेरे हस्बैंड कल ये घी लेके आए थे, ऑफ़र था नेस्टो में, तो बस वही जाके रख रही हूँ किचन में। आज मैंने नेस्टो से ये मटन और चिकन मंगवाए थे, पाकिस्तानी मटन फ्रेश। और आज ऑफ़र भी था, 32 का था, वरना तो ये 40 से अबव होते हैं केजी। तो बस ये मटन और चिकन मैं वॉश करके इनको सेपरेट कर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी, ताकि बनाने के लिए जब निकालना हो तो इजी पड़े। और आज वीकेंड है, छुट्टी है मेरे हस्बैंड के ऑफिस से, तो बस उनको मैंने थोड़ा काम पे लगा दिया है कि वो थोड़ा ये फ्रिज वगैरह साफ़ कर दें। ये फ्रिज में कुछ गिर गया था तो मेरे हस्बैंड ने कहा चले ला मैं साफ़ कर देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड जो हैं हेल्प कर देते काम वगैरह में, और करना भी चाहिए, हर मर्द को अपने वाइफ की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ अब्दुल खालिक नीचे बैठा हुआ है, हमें देख रहा है। मेरे हस्बैंड फ्रिज को बिल्कुल साफ कर रहे हैं। और यहाँ मैं पुलाव को चेक कर रही हूँ। पुलाव जो है मैंने चढ़ा दिया, तो मैंने रेसिपी पहले भी आपको शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आज शेयर नहीं की। बस वही पुलाव का सालन रेडी करके इसमें चावल डाल दूँगी। और यहाँ अभी तक मेरे हस्बैंड जो है फ्रिज के साथ लगे हुए, बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर रहे हैं। और हम लोग आज राशन लेने भी जाना था, तो इसलिए राशन लेने से पहले मैं फ्रिज बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, ताकि फिर राशन आराम से लाके सेट कर सकूं। और आज मंडे है तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है इनको मिलाने वगैरह की, तो वो खुद इनको निलाते हैं दोनों को, इनको तैयार वगैरह करते हैं। और बच्चे भी खुशी से इनके साथ शावर वगैरह लेके एंजॉय करते हैं बाथरूम में। मेरे हस्बैंड ने इनको शावर वगैरह दिला के इनको लाइन लाइन से इन दोनों के कपड़े चेंज करने हैं, पैंपर वगैरह पहनाने हैं। और यहाँ जो है मैं अब्दुल खालिक के कपड़े निकाल रही हूँ, अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, ताकि वो उसको कपड़े भी पहना दें। और अब्दुल खालिक जो है आराम से लेटा हुआ है। ब्रश खत्म। ओहो, एक सीमेंट है, सीमेंट पहला काड़ी आखिरी है। मोश मरे Yeah.
हाँ? भी यहाँ जो है भाई बहुत रेडी हो रही है, उसको मेरे हस्बैंड कपड़े पहना रहे हैं। आज मेरी हस्बैंड की जो है फुल ड्यूटी लगी हुई है बच्चों को रेडी वगैरह करवाने की, और उनको ख़ुद भी बहुत शौक़ है इनको तैयार करना, नहलाना उनको अच्छा लगता है। बेबो तो बड़ी है माशाल्लाह, वो खुद ना लेती है भी, बस मेरे हस्बैंड उसको कपड़े वगैरह पहनाते हैं, उसको रेडी करते हैं, परफ्यूम वगैरह इस तरह कान वगैरह साफ करते हैं, तो बेबो को भी अच्छा लगता है बहुत। वेरी गुड, चलो फिनिश, चलो काट में रंदे बेबो, जल्दी काट में रंदे। लॉन्ग ईयर्स हेल्दी ईयर्स, ओके ये काट में दिया बस खलास। यहाँ ये सब के बाद मेरा खाना भी रेडी हो गया था, पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया था, मज़े का बना था बहुत। और यहाँ हम लोग कल राशन लेके आए थे, तो बस वो राशन भी मेरे हस्बैंड सेट कर रहे हैं फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद, तो आज अभी राशन भी वो रख रहे हैं ताकि साथ साथ ये भी काम हो जाए। राशन की वीडियो मैंने इस दफ़ा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ग्रोसरी शॉपिंग अपनी बता दी थी कि मैं मंथली कैसे करती हूँ। और बेबो के लिए मैं ये फ्राई कर रही हूँ चिकन, और ये एक दिन पहले की क्लिप है, ये हम लोग गए थे वीकेंड था तो हम लोग गए थे यहाँ योको सिजलर खाने, ये शारजा में है और इसका सिजलर बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी सिजलर खाने का मूड होता है तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे बहुत फ्रेश होता है, रिजर्वेशन पहले से करवानी पड़ती है। और बेबो भी यहाँ पे बस कहीं भी जाती हूँ मैं तो पहले ही इसको बस ये पेंसिल और कलर वगैरह दे देती हूँ ताकि ये आराम से बैठे। और ये इनका सिजलर है, काफ़ी लोडेड होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इसमें वेजिटेबल्स वगैरह सब होते हैं। और ये बच्चों की क्लिप है, ये लोग आपस में खेल रहे हैं, मैंने कहा ये क्लिप डाल दूं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।